हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज वही दशहरा है तो विजयादशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जगह जगह मेले लगे हुए हैं तो हम लोग भी मेले में जा रहे हैं। सभी लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा मेला लगा हुआ है और रावण का दहन कैसे होता है। चलो चलते हैं। आज हम आए हैं भाई द्वारका सेक्टर 10 में। और ये देखो गाइस कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर एंट्री करने के लिए। ये देखो पीछे तक दिखाते हैं आपको कितनी लंबी है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई। कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मेला देखने के लिए। और देख रहे छोड़ रहे भाई राम तो राम। ये सबसे बड़ा रावण का पुतला है और ये उनके दो भाइयों का है, कुंभकर्ण और मेघनाथ छोटे वाले। दिल्ली का सबसे बड़ा रावण का पुतला द्वारका सेक्टर 10 में बना हुआ है, यहीं पे बनता है हर साल। पिछले कई माह से हमारे साथ है और हम सब अगर आपको आज आनंद आ रहा है, आज आप रक्षक महोदय के लिए पहले एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो सारा कंपाउंड खाली रहना है। जहां किसकी ड्यूटी है केवल वही रहेगा। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का जो मेन कार्यालय है, ये अंदर कौन बैठे हैं जिनकी जहाँ ड्यूटी है अभी वहीं पर रहेंगे। यहाँ पे रामलीला का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है और कई प्रोग्राम किए गए हैं अलग अलग। ये देखो भैया राम मंदिर बना रखा है यहाँ पे। पिछले 9 दिन से जो है रामायण का प्रोग्राम चला हुआ है। एक साइड में रामलीला का प्रोग्राम चला हुआ है और दूसरे साइड में झूले लगे हुए हैं और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की गई है। और उन्होंने खेवट पर नैया पार लगाई, अर्थात उन्हें सरयू गोमती और गंगा पार करवाई। और जब श्री राम ने कहा कि आज ये देखो गाइस कितनी भीड़ हो रखी है, अभी तो रात भी नहीं हुई, रात के टाइम और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। अब आपको आगे दिखाएंगे रामायण के कुछ सीन किस तरीके से यहाँ पे रामायण की जाती है। नहीं सुना जाता, आप मुझ पर
बांसर लगाए ये नहीं सहा जाता। अब आपकी हक के आगे मैं सर नवाता हूं और भैया की आज्ञा तोड़ता हूं। मिटाई जा नहीं सकती कर्म गति की कभी रेखा, तली है आज तक किससे परी है जो भाग्य की रेखा। हे माता खींचता है आज के लक्ष्मण गति रेखा। माता आप सावधान होकर रहना, दास रहा आज्ञा के भीतर, आप रेखा के भीतर रहना। कि मैं किसी भवन में प्रवेश नहीं कर सकता, या फिर तुम चाहती हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? क्षमा कीजिए मुनिवर, किंतु मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। मेरे देवर लक्ष्मण ने ये एक रेखा खींची है। इसका अर्थ ये हुआ देवी कि तुम मेरा अपमान कर रही हो। क्या रघुवंशियों के यहाँ ऐसे ही आतिथ्य होते हैं? जनक सुनेना की पुत्री से मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। जाके बस है सब दिखाला सो रावण बहु चारू सीता जिसके सम्मो गाल न दीता। रावण यहाँ क्या करने आया है तू? अपने अपमान का बदला ले ले, सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं हूँ लंकापति रावण और तू रावण के कब्जे में है। हनुमान चालीसा से जाने प्रभु के भक्त हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बर नम रघुबर विमल जस।
जी हमारे साथ हैं और उनकी पुत्री स्वाति कोविंद जी भी हाथ उठाकर जोरदार
कर रहा था, जो हमारे अंदर छिपे राम को हमसे भेद करा रहा था, उससे आप सभी से अनुरोध कि आप इस राम कथा के मंच श्री रामलीला सोसाइटी और हमारे मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी द्वारा सजाए इस मंच से श्री राम के गाइस द्वारका से आने के बाद अब हम दूसरी जगह पे चले गए हैं। ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा रावण बना हुआ है। मूंछ देखो इसकी कितनी बड़ी बना रखी है। ये वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, गाइस हम यहाँ पे भी चले गए। देखो यहाँ पे सभी लोग डांस करते हुए जा रहे हैं। शेरावली माता का विसर्जन करने जा रहे हैं। टेम्पल में सभी लोग डांस करते हुए जा रहे हैं और सभी ने गुलाल लगा रखा है। ये मिट्टी की मूर्ति होगी जो इसका विसर्जन करने जा रहे हैं। मूर्ति को मैं आपको दिखा नहीं पाई अच्छे से।
और ये पांच वर्ष आज मेरे सर पे काल मना रहा है, काल आज तू नहीं, ये राम नहीं, ये रावण नहीं, आज तो मुझे एक ही रहेगा, ये राम रहेगा, ये रावण रहेगा, सब पे काल मना रहा है, जल्दी खून पीने में बैठी हुई है, आज आज तेरा सामना तीन लोगों में विजेता से रावण है, रावण से रावण ये उत्पाद ही बनाएगा, ये तो नहीं करेगा, ले ले come on. ज़्यादा भीड़ है, दिखाते हैं आपको, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं दशहरा देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए, छोटे थे तब जाया करते हैं, आज काफ़ी टाइम बाद रामलीला देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी देर में दिखाते हैं,
की पकड़िए नहीं आ रही जी।